आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। अब अगर आपको अपना टॉपिक याद हो ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला, तो उसमें हमने जो चीज़ स्टडी की थी वो ये थी कि आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर जो था वो ये बताता था कि एक शेल के अंदर सब शेल जो उनसे हैं वो कितने होते हैं। और हमने उसको जब डिटेल में स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि एस पी डी एंड एफ दीज आर द फोर ऑर्बिटल्स जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसके लिए 0, 1, 2 एंड 3 थी एल की वैल्यू। तो ये थे डिफरेंट ऑर्बिटल्स या सब शेल्स। अब हम इन सब शेल्स की शेप्स देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ये इनकी शेप जो सी है वो किस तरह की होती है। तो सबसे पहले आता है एस सब शेल। हम पीछे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करके आए हुए हैं कि एस सब शेल्स आर स्फेरिकल इन शेप। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूक्लियस है तो ये जो है इसके गिर्द एक इसका क्या है, दिस इज द ऑर्बिटल सब शेल। अब होता बेसिकली क्या है कि दे आर स्फेरिकल इन शेप एंड दे आर लाइक सर्कल। अगर मैं यहां पर ये बनाता हूं दिस, तो ये छोटा वाला क्या है, दिस इज 1s। अब जब मैं ये जब n इज इक्वल टू 1 होगा उसके अंदर 1s होगा, जब n बड़ा हो गया है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो फिर यहां पे अब मेरे पास 2s आएगा और 2s को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर अब मुझे 3s बनाना है तो ये 1s के बाहर 2s और इसके बाहर जो है वो एक 3s। तो दिस इज द शेप ऑफ द 3s ऑर्बिटल। तो ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती है, आपको पता है s से पहले जो नंबर होता है 1, 2, 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है n को विच इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है 1s से 2s, 2s से 3s होता जाता है, तो आपके पास जो उनसे है उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है नोडल सरफेस की। नोडल सरफेस अब क्या है कि दो शेल्स के दरमियान, दो सब शेल्स के दरमियान एक ऐसा पोर्शन होता है, जैसे इस केस में ये वाला सारा पोर्शन है और इस केस में ये वाला पोर्शन, ऐसा पोर्शन जहां पर जिसको हम नोड कहते हैं, ये वो नोड वो जगह होती है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब आपके पास जोन सा इलेक्ट्रॉन है वो इस रीजन में तो पाया जाएगा या फिर इस रीजन में, अगर 1s का है तो इसमें और 2s का है तो इसमें, लेकिन ये जो दरमियान वाला एरिया है यहाँ पर ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की जीरो है, यहाँ पर वो नहीं पाया जाएगा। तो दीज आर द एरियाज, ये और ये वाला एरिया, दीज आर कॉल्ड द नोड्स। नोड्स आर दोज एरियाज वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। दिस इज द 3D या जिसको आप कहें कि 3D शेप है। n इज इक्वल टू 1, 1s, 2s एंड 3s। जैसे जैसे n बढ़ रहा है आपके पास s ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है एंड दिस इज लाइक अ स्फीयर। ये बेसिकली 3D में है और जो ड्रॉ हमने किया था दैट वॉज 2, मतलब अगर इस सर्कल को हम काट दें तो इस तरह की शक्ल सामने आएगी। तो ये 3D में आपके पास s ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप है। नाउ गोइंग नेक्स्ट टू द शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल।
अब आपको यहाँ पे रिकॉल करने की जरूरत है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाला टॉपिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम कहते हैं, ये बताता था अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं उनकी ओरिएंटेशन हमें जिस क्वांटम नंबर से पता चलती थी वो एम थी, और पी सबशेल के केस में जो था एम की वैल्यू वो तीन थी, प्लस माइनस वन एंड जीरो। इसका मतलब था कि पी सबशेल हैड थ्री ओरिएंटेशंस, और थ्री ओरिएंटेशंस का क्या मतलब था, इसका मतलब था कि ये जो इसकी शेप होती है ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अंदर जो है वो मौजूद होती है। और आप पीछे ही इन्हीं टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं कि पी की शेप जो है वो एग शेप लोब्स होती हैं, जो के ओरिजिन के ऊपर आके एक दूसरे से मिलती हैं, मीट एट दी ओरिजिन, समथिंग लाइक दिस। एग शेप लोब्स हैं और ये, अब ये तीन जो सी शेप्स होती हैं आपके पास पी की या पी ऑर्बिटल की, विच आर कॉल्ड पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये वाली शेप आपकी मौजूद होगी अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो आप कहेंगे इसको कि ये पी एक्स है। सिमिलरली अगर आपकी शेप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग ये पी सबशेल पड़ा होगा, तो दिस विल बी पी वाई, एंड इफ देयर इज योर p orbital lying on the z axis then it will be called as pz। तो जिस भी आपकी direction के ऊपर आपका पड़ा होगा subshell p, that would be the its name px, py या pz। here is the another three dimensional structure। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो सा number one है ये इस y axis के across जो है पड़ा हुआ है, तो this is py। इसको देखें तो दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इज पी एक्स, एंड दिस वन इज अलोंग जेड एक्सिस, तो दिस इज पी जेड, विच आर द थ्री ओरिएंटेशंस ऑफ द पी सबशेल जो के हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि इनकी जो सी ज्योमेट्री है वो होती तो सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन में फर्क सिर्फ उनकी डायरेक्शन में आता है, एक्स पे है, वाई पे है या फिर जेड पर ये मौजूद होगा। तो दीज आर द ज्योमेट्री ऑफ द पी ऑर्बिटल्स। अब सपोज करें ये शेप थी n इज इक्वल टू 1 के लिए, अब n इज इक्वल टू 2 के लिए p की वैल्यू क्या होगी, p की शेप कैसी होगी। जैसे s की वैल्यू n के बढ़ने से बड़ी हो रही थी, सिमिलरली क्या होगा, p का जो सबशेल है वो लार्जर इन साइज होता जाएगा। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल नंबर बढ़ेगा यही जो शेप है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 के लिए थी, तो जब n इज इक्वल टू 2 के लिए होगा तो यही शेप जो है कुछ आपके पास लोब बड़ी हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो इसी तरह n इज इक्वल टू 3 के लिए ये और भी बड़ी हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा आपके पास साइज ऑफ द ऑर्बिटल भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी बेसिक शेप जो सी है वो यही रहेगी। एंड गोइंग नेक्स्ट टू द लास्ट वन जो के आपके पास है डी सबशेल। डी सबशेल अगर आप याद करें तो उसके लिए एम की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो थी वो वैल्यूज थी 5, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1 एंड 0। तो 5 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो सी थी वो हमने देखी थी, जिनमें से जिनके नाम क्या थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एंड द लास्ट वन वॉज डी जेड स्क्र। इसके लिए एम की वैल्यू थी -2, इसके लिए थी -1, इसके लिए थी +1, दिस वन फॉर
प्लस टू एंड ये था एम इज इक्वल टू जीरो के लिए. ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में भी स्टडी किया था. तो दीज आर दी फाइव डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ दी डी सब शेल जो के किसी भी एटम के शेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ओरिएंटेशन ऑफ डी सब शेल. अब इनकी शेप जो होती है वो कैसी होती है उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर जो फोर हैं देर आर बेसिकली जो उनसे चार डी ऑर्बिटल्स हैं, फोर ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, टोटल पांच में से जो उनसे चार हैं, कौन कौन से चार, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इन चार की जो शेप है उनके अंदर सेम वही लोब्स हैं, एग शेप लोब्स इस तरह की, बट नाउ देर आर टू लोब्स, बेसिकली चार लोब्स हो जाएंगी, फोर कंप्लीट जो सी हैं अगर इसको एक कंसीडर करें तो दो, और वैसे लोब्स को देखें तो फोर लोब्स जो सी हैं वो मौजूद होती हैं. और ये जो एक्स वाई है दीज आर दी एक्सिस. और अगर आप लास्ट वाली देखें जो कि डी जेड स्क्वायर है तो उसके अंदर लोब्स तो दो ही होती हैं लेकिन उसके गिर्द क्या होता है, एक बैंड भी होता है, समथिंग लाइक दिस. तो ये शेप्स जो सी हैं आपके पास डी ऑर्बिटल की शेप्स हैं. इसको अगर हम अपनी 3D वाली फिगर में देखें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. अगर इसको आप अब देखें तो दिस इज द दीज आर द फोर डी ऑर्बिटल्स. ये है डी एक्स वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड दिस इज द शेप डी एक्स जेड ये इस तरह से और डी वाई जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इन चारों के अंदर अगर आप देखें तो वही है कि क्या है, दे हैव फोर लोब्स प्रेजेंट अलोंग डिफरेंट ओरिएंटेशन इन दी थ्री डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई एंड जेड. और इसको अगर आप देखें डी जेड स्क्वायर को तो इट हैज टू लोब्स एज आई सेड अर्लियर एंड वन बैंड होता है उसके गिर्द. तो ये जो शेप है आपके पास ये डिपिक्ट कर रही है द शेप ऑफ द फाइव डिफरेंट डीजनरेट ऑर्बिटल्स. दीज आर द डीजनरेट ऑर्बिटल्स. डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, दोज ऑर्बिटल्स हु हैव सेम एनर्जी. अब अगर मैं n को बढ़ाऊं, n को मैं ज्यादा बड़ा करूं तो क्या होगा, सिमिलरली ये डायरेक्शन यही रहेगी, ओरिएंटेशन यही रहेगी लेकिन साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. सिमिलरली अगर मैं इसको n, इसके लिए n की वैल्यू बढ़ाऊं तो आपके पास क्या होगा, ये लोब जो है ये सारी चीजें बड़ी होना शुरू हो जाएंगी. तो n को बढ़ाने से साइज जो है वो इंक्रीज करता है मगर उसकी ओरिएंटेशन जो है वो सेम की सेम रहती है. तो दीज वर द फोर डीजन फाइव डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द डी. अब f सब शेल जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो f सब शेल की m की वैल्यूज थी प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री. तो टोटल नंबर ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स वर सेवन. अब इनकी शेप जो है दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड शेप है. इसलिए इस लेवल के ऊपर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में उन्होंने इसको सिर्फ इतनी बात ही से बंद कर दिया है कहके कि दे हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स विच कैन नॉट बी ड्रॉन. और अगर वो यहाँ पे आपको दिखा भी दें तो दैट वॉन्ट यू वॉन्ट एबल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम. लिहाजा एफ सब शेल की जो शेप है दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट इज वाई वी आर नॉट स्टडिंग दैट इन हेयर. तो ये हमारा जो था शेप्स के हवाले से टॉपिक था, एस आर दी स्फेरिकल, डी आर दी एफ पी सॉरी पी आर दी लोब एग 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 शेप लोब्स बट दे आर टू इन नंबर और डी के अंदर है तो यही लेकिन फोर लोब्स होती हैं एंड एफ की शेप जो है दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस. तो यहाँ पे हमारा जो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया. दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एज इन ऑब्जेक्टिव टाइप दैट समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है कि यू गॉट टू ड्रॉ
दी शेप्स ऑफ दी ऑर्बिटल, आपको डिफरेंट ऑर्बिटल के नाम दे दिए जाते हैं, आपने उनको ड्रॉ करके दिखाना होता है, या फिर आपसे उनके नेम्स और ड्राइंग ओवरऑल पूछ ली जाती है कि पी की तीनों डायग्राम या डी की चारों पांचों डायग्राम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।